अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज एनके मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज़ मैथमेटिक्स में तो है ही है, साथ में इसका फिजिक्स में भी बहुत बड़ा यूज़ है। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स को धुआं धुआं करना तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आपको पता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है, तभी हम कहते भी हैं द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। सो जो ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इट मीन्स अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो आराम से आप ये चैप्टर धुआं धुआं कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट होता क्या डिफरेंशिएशन, उसका एक बेसिक सा डेफिनेशन आपको देता हूं मैं। कोई सा भी फंक्शन है उसको हम काट के अगर छोटा करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीधे वर्ड्स में डिफरेंशिएशन। सपोज हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें कह रखा है क्वेश्चन में कि y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसे डिनोट करेंगे d ऑफ डी एक्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, महसूस करवाना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं स्टेटमेंट वाइज में। आपको मैं एट फर्स्ट बता चुका हूँ कि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फॉर्मूले को अच्छे से रट्टा मारिए और क्वेश्चन में यूज़ कीजिए। मैंने क्या कहा, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि d ऑफ डी एक्स। डी ऑफ डी एक्स को हम कहते हैं ऑपरेटर, मीन्स इस डिफरेंशिएशन को ऑपरेट कौन कर रहा है, d ऑफ डी एक्स। ठीक, अब f डैश x को हम y डैश से भी दिखा सकते हैं। ठीक, ये हो गई डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो सीधा हम फॉर्मूले पे जंप करेंगे। तो जो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला हमारे डिफरेंशिएशन में आता है वो है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ये है n, x की पावर n, हमें फंक्शन दे रखा है x की पावर n और हमें उसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ये विथ रेस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहे विथ रेस्पेक्ट टू x तभी अगर ठीक है आगे देखेंगे वो चीज़ जो मैंने अभी बता रहा था वो इम्प्लिसिट फंक्शन में आएगी। अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, अभी मैंने सिर्फ ये कहा कि हमें एक फंक्शन दे रखा है x की पावर n और उसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो होता क्या है, एट फर्स्ट होता है पावर का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स छोटा करना, काटना, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर फंक्शन में कम हो जाएगी। ये था सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक, आपका ये बन क्या जाएगा n x की पावर n माइनस वन इंटू वन। एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x n माइनस वन। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आइए देखते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेकेंट, कोसेकेंट और कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ऑफ एक्स, और वैसे ही कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। आप इन दोनों को एक साथ याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बस एक माइन्यूट सा पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। वैसे ही टेंजेंट एक्स का जो डिफरेंस होता है टेंजेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और जो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अभी हम देखो हर में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन एक्स में है तो उसका डिफरेंशिएशन भी हम एक्स में कर रहे हैं, ठीक है। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको रट्टा मारना है, ठीक है। तीसरा जो है डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स का देखते हैं। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स,
डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स, वो होता है कोसेकेंट एक्स इंटू, यहां पे आइए, जगह कम हो रही है यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स होता है आपका माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। इन तीनों फॉर्मूले को नोट कीजिए। अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, अब अपन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको बस यहां पे इनवर्स कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स। अब हमने पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में भी सेम यही रहेगा, सिर्फ एक माइनस साइन आ गया जाएगा, तभी मैंने इन सबको एक साथ किया है। साइन कॉस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वैसे ही साइन इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स एक्स में भी सेम एक पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हो, एक सिर्फ साइन का डिफरेंस है। सेकेंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन अपॉन मोड ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। वैसे ही कोसेकेंड इनवर्स एक्स में एक माइनस आगे आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रट्टा मारने की है, कोई प्रूफ नहीं आपसे पूछेगा इन सब के। आप सबको इसको अच्छे से रट्टा मारना है और सिर्फ क्वेश्चंस में यूज करना है। ये हो गया इनवर्स के डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। e की पावर x जो है एक बहुत ही बेशरम फंक्शन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन करो वो भी e की पावर x ही आएगा, डिफरेंशिएशन करो वो भी e की पावर x ही आएगा। ठीक है, तो e की पावर x का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x, वो होगा e की पावर x। ठीक, a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x वो होगा a की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। a जो है एक कोई सा कांस्टेंट टर्म है या एक कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, और जो a रहेगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये लॉग के प्रॉपर्टी है, लॉग की जो प्रॉपर्टी है कि जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, वहां से हमने कहा कि ए शुड बी पॉजिटिव। अब तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वो होता है वन बाय एक्स। फिर से एक्स शुड नॉट इक्वल टू बी जीरो, और यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नोट कीजिए। अब इसी पे बेस हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक हमें फंक्शन दे रखा है e की पावर 2 लॉग ऑफ x, हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए, हमें लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज पता है कि हमेशा जो पावर है वो आगे आ जाती है लॉग के केस में, तो इसको हम इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है e की पावर अगर लॉग हो तो ये कट जाता है, सीधा ये जो फंक्शन इसके ऊपर है वो नीचे आ जाता है, डेट इज़ ये जो फंक्शन था ऐसे चेंज हो गया। अब एक्स स्क्वायर का मैंने आपको क्या बताया था, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन, डेट इज़ ये है वाई डैश, डेट इज़ इस जो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ, टू एक्स। फिर समझते हैं, वाई हमें दे रखा था e की पावर 2 लॉग ऑफ एक्स, थ्रू लॉग की प्रॉपर्टी हमने टू इस पावर को यहाँ पे एक्स पे भेजा, ये बन गया लॉग एक्स स्क्वायर। अब क्या किया हमने, e की पावर जब लॉग में होता है तो वो कट जाता है और जो भी फंक्शन है उसकी पावर में बाकी वो नीचे आ जाता है, तो हमारा जो फंक्शन हो गया
इससे ये कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया, हमें एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन पता है, पावर एक आगे आती है फिर पावर कम हो जाती है और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है 1। इट मीन्स जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया वो हुआ 2x। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन, अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। एक हमें फंक्शन गिवन है a की पावर x, e की पावर x, ठीक है, a है ये, नहीं नहीं है, a की पावर x इंटू e की पावर x। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, a e की पावर x, ठीक। तो ये अब ये a की पावर x का फंक्शन बन गया, a की पावर x का फंक्शन बन गया। हमें पता है कि dy by dx ये बन गया a की पावर x का फंक्शन। इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या हुआ करता था, a की पावर x इंटू log a हुआ करता था ना, ठीक। तो ये भी हो जाएगा a e की पावर x इंटू log a e। ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको u into v से कर देते हैं। अभी हमने u into v पढ़ा नहीं है, आगे जाकर बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, u into v से कर देते हैं, पर ये u into v से नहीं होगा, ये नॉर्मल ऐसे ही होगा, ठीक है। a e की पावर x हो गया और फिर ये a की पावर x का फॉर्म बन गया, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x। एट फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, y डैश हमें फाइंड आउट करना है। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक जो पावर है वो आगे आती है और फिर उसमें एक कम कर देते हैं, 2-1 दैट इज 1 और बाकी फंक्शन एज इट इज। ये सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, अभी आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, ठीक। अब ये तो एज इट इज रहेगा 2 sin 2x। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। इट मींस जो फाइनली इसका इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हुआ है आपका 4 sin 2x cos 2x। इसको और छोटा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 into 2 2 sin 2x cos 2x। अब ये 2 sin x cos x का फॉर्म बन गया, 2 sin x cos x होता क्या है, sin 2x, 2 sin 2x cos 2x कितना हो जाएगा, वो होगा sin 4x, ठीक। इट मींस इस फंक्शन जो है, ये जो गिवन फंक्शन था, इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हुआ आपका 2 sin 4x। आइए करते हैं, देखो जितने भी मैंने फॉर्मूलेस पढ़ाए हर फॉर्मूले पे बेस हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक हमें फंक्शन दे रखा है e की पावर 2 log √10x, ओके। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करके, देखो डायरेक्ट तो हम इसको कर नहीं सकते, डिफरेंशिएट करेंगे पर बहुत टीडियस जाएगा, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं पर ये बहुत टीडियस जाएगा। हमारे पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपन वो यूज करेंगे। देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, तभी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम स्टार्टिंग में बताई जाती हैं, ठीक। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पावर आगे आएगा, e to the power log √10x की पावर 2, ठीक। अब रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, e की पावर log ऑफ टेंजेंट x। फिर मैंने आपको बताया e की पावर जब log होता है तो इसकी कहानी खत्म हो जाती है, जो फंक्शन है वो नीचे आ जाता है। इट मीन्स ये जो आपका इतना टीडियस सा जो फंक्शन दिख रहा था वो log की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद बन जाएगा y = tan x। सबको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है secant² x। इट मीन्स वो जो ऊपर इतना भारी भरकम हाथी सा फंक्शन दिख रहा था उसका जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x वो होगा secant² x।